हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसमन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज अपवर्धन के बारे में। सो ये एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली कंडक्टेड हुआ है, एक्सरसाइज अपवर्धन जो है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, एक तो हो गया नेवी का हेलीकॉप्टर से और एक मर्चेंट शिप है। ओके, सो चलिए देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। सो इंडियन नेवी ये क्या है ना, कोलाबोरेशन क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जो कि एक ये जो एक्सरसाइज हुआ है इसका जो किसके लिए हुआ है ना, एंटी हाइजेकिंग एक्सरसाइज है, जो कि ऑफ द पोर्ट ऑफ द कोची हुआ है। ओके, सो कोची का जो पोर्ट है उसका बाहर ये एक्सरसाइज कंडक्टेड हुआ है। सो यही ये जो एक्सरसाइज है, सो इसका जो कोड है, इसका नाम है अपहरण है। सो अपहरण क्या है, इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन किए हैं मल्टीपल एजेंसीज, जो कि इसमें क्या है ना, 12 शिप्स एंड हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेशन किए हैं, जो कि इंडियन नेवी से है। ओके, जो हेलीकॉप्टर्स है इंडियन नेवी से, और 12 शिप्स जो है ये नेवी का भी है एंड मर्चेंट शिप भी है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड भी है इसमें पार्टिसिपेशन किया है। कोचिन पोर्ट का जो ट्रस्ट है ये भी पार्टिसिपेशन किया है। ये जो है एक फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का जो एक्सरसाइज हुआ है, ये जो कि कंडक्टेड हुआ है केरला में हुआ है। इससे पहले ऐसे इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल क्या है, ये हाईजैकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सोमालिया के पास ज़्यादा होता है। ओके, सो इसलिए क्या है, वहाँ पे जो सोमालिया के साइड में जो इंडियन नेवी का सो वहाँ पे एक शिप पे हर टाइम डिप्लॉय रहता है। सो ये जो एक्सरसाइज हो रहा है ये अपहरण, ये इसका जो मेन एम है क्या है ना, जैसे क्या हाईजैकिंग हो जाएगा तो उस टाइम में कैसे प्रिपेयर्डनेस होगा, तो ये एक्सरसाइज का मेन एम है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।